बाराती लग रहा भोसड़ी का। तो गाइस क्या चल रहा है, तो स्वागत करता हूँ मेरा चैनल दिलदार डेज ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा चीज़ लाया हूँ तो आप लोगों को देख के दंग रह जाएंगे, हक्का बक्का हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा घटना हुआ है शायद। तो गाइज मैं आप लोगों को आज जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी मतलब डरावनी है यार। और गाइज यहाँ पे देखिए शादी का गाड़ी जा रहा है। क्या ये साले का खोपड़ी तोड़। और यहाँ पे जो सारा का सारा आप लोग देख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः रूम है ये, सारा का सारा सिंगल रूम है, अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जब रूम भरा लिया था तो हमारे फार्मेसी के लिए, तो ये एक रूम लिया था और ये एक रूम लिया था। तो क्या हुआ था, इसके बीच में जो दो मुझे दो रूम चाहिए था, लेकिन मैंने दोनों ही रूम लिया है, लेकिन बीच में से कोई दरवाज़ा नहीं था आने जाने के लिए। तो ये रूम लिया मैं सिर्फ फार्मेसी के लिए और ये रूम लिया था मैं चैम्बर के लिए। तो बीच में से कोई मतलब दरवाज़ा नहीं रखा था हमारे ओनर साहब ने। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने बोला कि बीच में से एक दरवाज़ा काट के देना पड़ेगा, दिया मिस्त्री को बोल के एक छोटा सा दरवाज़ा काट के बना के दिया है। लेकिन इसके जो नुकसान हुआ है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप लोग कभी भी ऐसा गलती मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये है दूसरा रूम जहाँ पे चैम्बर है हमारा, और जब ये दरवाज़ा काट के बना के दिया है उस रूम से इस रूम तक आने के लिए। और यहाँ पे देखिए जब दरवाज़ा काटते हो क्या हालत हो गया है, ये सारा का सारा वॉल जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए कितना लंबा एक क्रैक हुआ है, देखा है आप लोगों ने गाइस एकदम वहाँ तक। तो ये क्रैक ऐसे ही नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता है पहले वॉल हो गया था, इसके बाद साइड में से जो वॉल काटा मतलब दरवाज़ा बनाने के लिए, इसके बाद ये पूरा का पूरा क्रैक आया है, मतलब पूरा दीवार ही मतलब पूरा दीवार का ही नुकसान हो गया। ये कब मतलब पूरा का पूरा टूट जाए कुछ पता नहीं है। अभी मतलब कोई भी बड़ा दुर्घटना हो या फिर अर्थक्वेक हो, तो नेचुरल कोई डिजास्टर हो जाए तो इस रूम का काफ़ी खतरा हो सकता है। तो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई रूम बना रहे हैं दुकान के लिए या फिर घर में ही, तो आप लोग पहले अच्छी तरह से चिंता करके अच्छी तरह से सोच के तो फिर वैसा कुछ काम करिए जिसके बाद आप लोगों को कुछ नुकसान भरना ना पड़े। ये दीवार में जितना भी पैसा खर्चा हुआ है पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है। थोड़ा मुझे भी थोड़ा डर लगता है कभी मतलब अर्थक्वेक हो जाए तो, मतलब ऐसा कभी मत हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना गाइस। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो जब ऐसा मतलब कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं तो अच्छी तरह से सोच के कहाँ दरवाज़ा रखना चाहिए, कहाँ मतलब विंडो रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से मतलब पहले से ही काम करवा के रखना चाहिए। इसके बाद ऐसा ना हो कि वॉल बन गया है, इसके बाद दरवाज़ा के लिए वॉल काटना पड़े या फिर विंडो के लिए विंडो रह गया है, विंडो के लिए वॉल को काटना पड़े, तो ऐसा कोई सीन मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब पूरा घर कंप्लीट हो जाने के बाद मतलब कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद। तो मेरा नहीं, हमारा जो ओनर है उनका तो पूरा नुकसान हो गया। और ये दीवार कब टूट के गिर जाए अगर अर्थ कोई भूमिकंप जो आया पड़े बेटा दोहरा बड़ा मारे तो मरवा तुम्हें वुमेन। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ ये हो गया था तो मैं दिखाया आप लोगों को, तो प्लीज थोड़ा सावधानी बरतिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय।